देखिए लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कोविड में होता है, इसलिए कोविड का दूसरा नाम है COVID-SARS-19। SARS is Severe Acute Respiratory Disorders, मतलब जो लंग्स हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है ब्लड से, इसके प्रणाली में प्रॉब्लम आता है, इसमें पानी भर जाता है, निमोनिया हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लंग्स से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन मैं बताता हूँ, उसको मेडिकली हम कहते हैं लंग फाइब्रोसिस या एल्वियोलर डैमेज या माइक्रोवेस्कुलर एल्वियोलर इंजरी। ये तीनों ही मेडिकल वर्ड हैं जो थ्रोम्बोइम्बोलिक इवेंट्स होते हैं पोस्ट कोविड या ड्रग्स के बाद भी, आइट्रोजेनिक कोविड में जो एलोपैथिक ड्रग्स कभी कभी मेन चलती हैं उनमें भी कभी कभी थ्रोम्बोइम्बोलिक इवेंट्स वो प्रोड्यूस कर सकती हैं क्रॉस रिएक्शन से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑटोइम्यून या साइटोकाइन के इंडक्शन से। तो इन सभी स्थितियों में वो पेशेंट में अंडरगो अ लॉन्ग टर्म लंग इंजरी, लंग फाइब्रोसिस, एल्वियोलर फाइब्रोसिस, तो उस पेशेंट में लॉन्ग टर्म सांस की दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, जिसके कारण उसको सांस की दिक्कतें, रात में नींद नहीं आना और बहुत सारे कमजोरी के लक्षण आ सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए कोविड के दौरान होम्योपैथिक मेडिकेशंस, योगा के काढ़ा, ये चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लाइन ऑफ एक्शंस आयुष मिनिस्ट्री ने भी दी हुई है और मैं भी आपको एडवाइस करता हूं कि कोविड के दौरान आप इनको जरूर चलाएं, जिससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्टेराइड से कहीं बेहतर है। पेशेंट को चेस्ट में पेन हो सकता है, ये भी मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकता है और ये थ्रोम्बोइम्बोलिक भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस या इनफार्क्ट अगर उस दौरान बढ़े हैं मरीज को, तो भी ये पेन हो सकते हैं, चेस्ट की दिक्कतें, इवन एंजाइना जैसे पेन्स हो सकते हैं पेशेंट को। कभी कभी ये पेन तो नहीं होते हैं, सांस की दिक्कत हो सकती है क्योंकि एंग्जाइटी भी है पेशेंट को, तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस में भी हो सकता है। एक्चुअली में साइंस में लंग्स और हार्ट अफेक्टेड नहीं हो, लेकिन पेशेंट एंग्जाइटी से सफ़र किया हो उस दौरान और उसके बाद भी 6 महीने बाद, तो उसको ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में भी हो सकते हैं, इसलिए इनको मेडिकली चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट को चेस्ट पेन होंगे। देखिए, मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो ज़्यादातर पेशेंट आज की डेट में उनको मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक ड्रग्स लेकर वो अपने उनको डायबिटीज़ भी हुआ तो वो फटाक से दौड़ते हैं और अपनी दवाइयाँ खाते रहते हैं, तकलीफ हो तो भी खाते हैं और बीमारी ठीक ना हो तो भी खाते रहते हैं। कभी कभी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पेशेंट दुकानों से पूछ के खा लेते हैं। डॉक्टर्स भी आजकल एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होने के बावजूद, WHO की वार्निंग होने के बावजूद भी जम के एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। इवन एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा दी जाती है कोविड के इन्फेक्शन के दौरान, जबकि कोविड के इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन का डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट उसका बायोकेमिकल इफेक्ट हो सकता है जो कंड्यूसिव हो, लेकिन साइंटिफिक जो जिसके लिए बनी एंटीबायोटिक्स उससे संबंधित वायरस के इन्फेक्शन का नहीं, फिर भी दे देते हैं। आइवरमेक्टिन जैसी एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी पैरासाइट ड्रग्स, एंटी हेलमिंथ ड्रग भी पेशेंट को चलाई जा रही है। रेमडेसिविर जैसी IL-6 ब्लॉकर्स या MABs या बहुत सारी बायोलॉजिक्स भी पेशेंट को कभी कभी दी जा रही है, ये सोच के कि लंग्स की इंजरी वो कंट्रोल करेगा, तो इंस्टेंट की वो इंजरी कंट्रोल करे, एट्रोजेनिकली मैं मान के चलता हूँ कि वो कैस्केड्स को और बढ़ा देता है और वेंटिलेटर की तरफ या मोर्टेलिटी की तरफ पेशेंट को ले जाता है। तो ऐसी सभी स्थिति में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कोविड आसानी से उनकी बॉडी को ख़त्म कर सकता है। ब्लड प्रेशर की बहुत हाई दवा चल रही है उसको, तो पेशेंट में थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन आया सांस का या लंग्स में थोड़ा भी पानी भरा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ा, तो हार्ट जो होता है वो फेलियर की तरफ जा सकता है आसानी से उनका, जिनको ब्लड प्रेशर है पहले से। तो बोलने का मतलब है कि कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब ऐसे मरीज जिनको पहले से कुछ बीमारियाँ मौजूद है और वो एलोपैथिक दवा भी किसी तरह जिंदा है, उनमें कोविड उनको ख़त्म कर सकता है। और अगर वो कोविड से ठीक भी हो जाते हैं तो ड्रग्स का जो उन पर ट्रीटमेंट चला है या स्टेराइड्स चली हैं उनको बचाने के लिए, स्टेराइड्स आर लाइफ टेकिंग ड्रग्स एज वेल एज लाइफ सेविंग ड्रग्स, दे आर मैजिक ड्रग्स। सो स्टेराइड ने उनको बचा जरूर लिया है, लेकिन क्योंकि स्टेराइड एक्सेसिवली चल गई है या स्टेराइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम है, तो आज की डेट में उनको फंगल इन्फेक्शन से बचाना मुश्किल है। सो इम्यूनिटी कम हुई तो सबसे पहले अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती है, उसमें फंगस होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये आपके लंग्स में न्यूमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, सेप्टिसिमिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस लंग्स, कैंडाइडा। इवन न्यू दिल्ली में कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि कैंडाइडा उनके ब्लड पॉइजनिंग कैंडाइडा ने प्रोड्यूस किया, कैंडाइडा इज अगेन अ फंगस।
सो ज्यादातर मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म आपको ना हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग टर्म ना हो तो हम स्टेरॉइड चला दें आपको। तो फ्रेंड्स स्टेरॉइड तो जानलेवा वैसे भी है आज के डेट में, जो भी फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं आसानी से वो पोस्ट स्टेरॉइड सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एलोपैथिक पद्धति में अगेन इसके लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, एक्सेप्ट कि इमरजेंसीज में आपके अंदर कैंडिडा इन्फेक्शन से या कोई फंगस आ गई है तो हम आपको एंटी फंगल्स आईवी और ड्रग्स के रूप में दें, लेकिन ज्यादातर प्रिवेंशन के रूप में एलोपैथिक ड्रग्स फेल करती है, ना उनको लेना चाहिए क्योंकि वो नुकसान उनके साइड इफेक्ट से ही आजकल बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं कोविड के बाद और डेथ हो रही है। सो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं कि भाई काली फंगस आ रही है, व्हाइट फंगस आ रही है, ब्लू फंगस, बहुत सारी रंग रंग बिरंगी फंगस आकर पेशेंट को मार रही है और एलोपैथी में अगेन फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट कोविड। मैं मान के चलता हूँ कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं है सबके सुनने के लिए, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी और पेशेंट है, ये पोस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन है। किसी भी कोविड के पेशेंट को अगर वो काढ़े से ठीक हुआ है और रामदेव जी की योगा से ठीक हुआ है, होम्योपैथिक मेडिसिन से आयुष की जो एडवाइस उसके ऊपर ठीक हुआ है, तो उस पेशेंट को किसी भी हालत में, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो उसको किसी भी हालत में फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, दिस आई एश्योर, एंड इसके ऊपर वर्क होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आइट्रोजेनिक ड्रग्स के साथ ठीक हुआ है, मेजर ड्रग्स चली हैं उसको, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है या घर पे उसको स्टेरॉइड चली है, तो 99.9% चांसेस है कि उसमें जो ब्लैक फंगस है या ऐसी कोई फंगस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वो आ सकते हैं, क्योंकि जो एंटी मेटाबोलाइट्स या बायोलॉजिक्स चलती हैं, स्टेरॉइड चलती हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ लो इम्यूनिटी को पैदा करती हैं और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं उस दौरान। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब चीजें अभी आपको और आपके परिवार में हो रही हैं, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें और सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स जिसमें बीमारी की शक्ल बे साइंस और सिम्टम्स के ऊपर इलाज होता है, वो आपके लिए सेफ भी है, वेरी इफेक्टिव है और उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने के कारण आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में पैंडेमिक के लिए आयुष पद्धति जिसमें योगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ध्यान पद्धति, इसके अलावा होम्योपैथिक जो अपने में लीड करती है, ये चारों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होगा इन पैंडेमिक को पेशेंट के जीवन को बचाने के लिए मिलाकर चलाने के लिए। सो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में होम्योपैथिक मेडिकेशंस काफ़ी इफेक्टिव हैं। इवन आपको कोविड है और आपके परिवार ने आपको हॉस्पिटलाइज किया है जो कि आपको लेना पड़ा हो, तो उसमें भी कोविड की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस आपको जरूर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स कुछ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया कि आपकी एंटी मियाजमेटिक स्पेशली बैसिलिनम बहुत ही इफेक्टिव है इसमें, कैल्क्रिया फॉस, इग्निशिया 1M, जैसिमियम 30, रस्टक्स 30, इन सब के कॉम्बिनेशन आपको आपके सिम्टम्स को भी मिटिगेट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। सो टुगेदर विद द प्राणासन, टुगेदर विद द योगा, टुगेदर विद द हेल्प ऑफ रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हैं, और इन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है, आप पोस्ट कोविड सिम्टम्स को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मुझे अब तक सुनने के लिए थैंक यू, और मैं आपके अंदर बैठी ईश्वर को नमन करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, आप इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों तक पहुँचाइए, टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी, यूज होम्योपैथी थेरापेटिक्स, यूज आयुर्वेदा, यूज सेफ साइंसेस, कम से कम आप केमिकल ड्रग्स खाएं अनलेस कोई इमरजेंसी हो, कम से कम हॉस्पिटलाइज्ड आप रहें इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको पहले से तैयारी करनी होगी, और योगा, प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिकेशंस और जरूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक मेडिसिंस, ये मेड इन इंडिया जो लाइन ऑफ एक्शन है, यही फ्यूचर मेडिसिंस बनेगा और यही आपकी आने वाले पैंडेमिक्स में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर दैट दिस विल हेल्प यू, एंड यू कैन ऑलवेज राइट टू मी at my mailing ID which is thy.relief@gmail.com. You can speak to me on our lifeline numbers which are there already on the net, and I will be very happy to help you in all the occasions which as per my capacities. Thank you friends.